सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। रिश्ते ऐसे बनाओ कि जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़े कम और बातचीत ज्यादा हो, प्रमाण कम और प्रेम ज्यादा हो। प्यार से बनी रिश्ते तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ते नहीं टूटेंगे। लेकिन स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, वो रिश्ते कभी नहीं बनेंगे। प्यार में चाहे सारे अरमान मांग लो, रूठ कर चाहे मेरी मुस्कान मांग लो। तमन्ना ये है कि ना देना कभी धोखा, फिर हंसकर चाहे मेरी जान मांग लो। आज का पंचांग 24 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, रात्रि 12:31 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र रात्रि 3:26 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:25 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:09 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। कर्क राशि 24 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार, आप अभी काम में किसी नुकसान का सामना कर रहे हैं, अध्यापक या सलाहकार से मार्गदर्शन के लिए मिले। अपनी चिंताओं को रहस्य न रखें या किसी जोखिम भरे व्यवहार में लिप्त न हों। यह समय अच्छे अवसरों से भरा हुआ है। आज आप प्रतिबंधक महसूस करेंगे और अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर नहीं पाएंगे। आप में से कोई जीवन का नया अर्थ ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी आकांक्षाएं, सपने और आराध्य सभी नया रूप लेंगे। यदि आप अपने सपने पूरे नहीं करते तो कोई दूसरा आपको इस्तेमाल करके अपने सपने पूरे करेगा। किसी भी विपरीत परिस्थिति में खास मित्र अथवा संबंधियों के सहयोग से आपकी हिम्मत और कौशल बना रहेगा। फोन और मेल द्वारा नई जानकारियां तथा समाचारों की प्राप्ति होगी। बातचीत द्वारा आप अपने काम करवाने में सक्षम भी रहेंगे। अभी तक की गई मेहनत पर विश्वास रखें, संयम बनाए रखें, निर्णय लेते समय दूरदृष्टि रखकर आगे बढ़ें। अपेक्षा के अनुसार जीवन में बदलाव और स्थिरता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। घर की ऊर्जा में सकारात्मक बदलाव नजर आ रहा है। काम संबंधी डेडलाइन ध्यान में रखकर योजना बनाएं। रिलेशनशिप संबंधी चिंता दूर होकर नए रिलेशनशिप की सकारात्मक शुरुआत हो सकती है। सेहत में सुधार लाने के लिए अपेक्षा से कई गुना ज्यादा मेहनत की आवश्यकता होगी। सावधानियां, आय के साधन बढ़ने के साथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे, इसलिए अभी से अपना बजट बनाकर चले तो बेहतर होगा। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने से आप किसी कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। जल्दबाजी के बजाय धैर्य और संयम रखना ज्यादा उचित है। बात करते हैं लव लाइफ की। अगर साथी की तलाश है तो अभी थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है। भविष्य में रोमांस के क्षण मिलेंगे। सफर में हुई गड़बड़ी या किसी की लाइलाज बीमारी के कारण तनाव महसूस हो सकता है। आज का मंत्र यही है कि अतीत की बाधाओं को तोड़कर नए दौर का खुले दिल से स्वागत करें। अपने काम में व्यस्त होने के कारण आप अपनी चाहत से दूर हो रहे हैं, इसलिए कुछ नया सोचें और उन्हें अपने करीब लाएं। मूड उदास है तो अपने दोस्तों के साथ घूमे फिरे और जीवन को खुले दिल से जिए। बात करते हैं करियर की। आने वाले खतरे या मुसीबत के लिए आप अभी तैयार हैं। लोगों से बातचीत करें और अपने विचारों को उनसे बांटकर अपनी मानसिक शक्तियों का प्रदर्शन करें। सफर के दौरान हड़बड़ी की संभावना से बचने के लिए आज यात्रा ना करें। इतिहास खुद को दोहराता है, इसलिए अच्छा करें और अच्छा पाएं। एकाग्रता की कमी के कारण आपके काम या शौक पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। आज आप जीवन को लेकर उदासीन हो सकते हैं और अकेलापन महसूस कर सकते हैं। अतीत को भुलाकर अपने मंजिल की ओर बढ़ें। आत्मविश्वास वो चाबी है जिससे आप सफलता के ताले को खोल सकते हैं, इसलिए आत्मविश्वास को कम ना होने दें। बात करते हैं सेहत की। मानसिक तनाव की वजह से
हार्मोन से संबंधित बदलाव महसूस करेंगे। ध्यान मेडिटेशन इसका उचित हल है। सेहत में सुधार लाने के लिए अपेक्षा से कई गुना ज्यादा मेहनत की आवश्यकता भी होगी। आज का उपाय, आज आप माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, उनके समक्ष दिया जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।